भारतीय कारोबारी जगत को आज एक बड़ा सदमा लगा है। जिम्बाब्वे में रहने वाले भारतीय अरबपति कारोबारी हरपाल रंधावा और उनके बेटे आमिर कबीर सिंह रंधावा की प्राइवेट एयरप्लेन क्रैश में दुखद मृत्यु हो गई है। दक्षिण पश्चिम जिम्बाब्वे में हीरे की खदान में प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें भारतीय कारोबारी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। अब कैसे हुई ये घटना और कौन थे हरपाल रंधावा, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। हरपाल रंधावा माइनिंग कंपनी रियो जिम के मालिक थे। इनकी कंपनी सोना, कोयला, निकल और तांबे का प्रोडक्शन करती है। भारतीय अरबपति हरपाल रंधावा हरारे से माइन जा रहे थे। प्लेन में उनके बेटे आमिर, जो 22 वर्षीय थे, समेत कुल 6 लोग सवार थे। लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट हरारे से माइन के लिए रवाना हुआ, टेक्निकल फॉल्ट के चलते मासावा से लगभग 6 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिड एयर प्लेन क्रैश में सभी लोगों की मौत हो गई। रंधावा के दोस्त जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर हुपविल ने इस खबर की पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हुपविल ने लिखा कि मुझे रियोजिम के मालिक हरपाल रंधावा के निधन पर गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनकी पत्नी, परिवार, दोस्तों और रियोजिम कम्युनिटी के साथ है। बता दें, चिनोनो साल 2017 में एक म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से रंधावा से मिले थे। अब कौन थे हरपाल रंधावा, ये जान लीजिए। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय कारोबारी और अरबपति हरपाल रंधावा को माइनिंग किंग्स के नाम से जाना जाता था। उनकी कंपनी रियोजिम सोना, कोयला, निकल, तांबा की रिफाइनिंग का काम करती है। इसके अलावा रंधावा $4 अरब वाली इक्विटी फर्म जेम होल्डिंग्स के संस्थापक भी थे। रियोजिम को साल 1956 को रियो टिंटो साउदर्न रोडेशिया लिमिटेड के तौर पर शुरू किया गया था। अब जाते जाते जिस एयरक्राफ्ट में ये घटना हुई है उसके बारे में जान लीजिए। सेस्ना 206 फिक्स लैंडिंग गियर के साथ सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल कमर्शियल एयर सर्विस और इंडिविजुअल यूज के लिए भी किया जाता है। 6 सीटों वाला एयरक्राफ्ट साल 1964 में पेश किया गया था और साल 1986 तक बनाया गया था। बता दें, जब से सेना ने अपनी सिंगल इंजन प्रोडक्ट लाइन का उत्पादन रोक दिया था, इसके बाद साल 1998 में इसे दोबारा पेश किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।